प्रिय छात्रों, आज सॉइल में शियर स्ट्रेंथ बाय डायरेक्ट शियर टेस्ट, सीधे अपरूपण सामर्थ्य टेस्ट करेंगे। इसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है और ये नॉर्मली कोहेजन लेस सॉइल के लिए काम में लिया जाता है। शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो इक्वेशन काम में ली जाती है, एस इक्वल टू सी डैस प्लस सिग्मा टेन फाइव डैस, यहाँ पर सी डैस इफेक्टिव कोहेजन है, फाइव इफेक्टिव स्ट्रेस है, फाइव डैस इफेक्टिव एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस है। शियर स्ट्रेंथ की मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इससे फाउंडेशन की डिजाइन रिटेनिंग वॉल्स में भी यूज आता है। टेस्ट ये तीनों ड्रेनेज कंडीशन के लिए की जा सकती है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड एंड कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, यूयू टेस्ट, सीयू टेस्ट एंड सीडी टेस्ट। जनरली कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज की जाती है और नॉर्मली कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन के लिए डायरेक्ट शियर को यूज लिया जाता है। जो एपरेटस काम में लिए जाएंगे डायरेक्ट शियर टेस्ट के लिए, शियर बॉक्स कंटेनर, बेस प्लेट विथ क्रॉस ग्रूव्स ऑन इट्स टॉप, पोरस स्टोन टू नंबर, प्लेन ग्रिड प्लेट्स टू नंबर, परफोरेटेड ग्रिड प्लेट्स टू नंबर, लोडिंग पैड विथ स्टील बॉल, डिजिटल वेइंग मशीन, लोडिंग फ्रेम विथ लोडिंग यॉक, थ्रोइंग रिंग, डायल गेज टू नंबर, वेट्स, टेम्परिंग रॉड, स्पेचुला, हैमर, रैमर, सैम्पलर, ये डायरेक्ट शियर टेस्ट का इक्विपमेंट्स है। इसमें टोटल जो स्ट्रेन रेट होती हैं या स्पीड्स होती हैं, 12 नंबर्स ऑफ स्पीड्स होती हैं। अगर कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट करना होता है सीडी तो स्लो स्पीड रखते हैं, और अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करना होता है तो फास्ट स्पीड रखते हैं। टेस्ट प्रोसीजर के लिए नॉर्मली इसमें अनडिस्टर्ब और रिमोल्डेड दोनों सैंपल काम में लिए जा सकते हैं। जो सैंपलर की साइज होती है वो 60 mm by 60 mm स्क्वायर सैंपल में होती हैं और टोटल थिकनेस 50 mm होती है, जिसमें सैंपल की साइज 25 mm थिकनेस की होती है। उस सैंपल को इस मोल्ड में भरा जाता है। बॉक्स जो होता है वो टू हाफ में होता है और उसके ऊपर लॉकिंग पिंस होती हैं और बेस प्लेट होता है बॉटम पर। इसके सैंपलर के ऊपर और नीचे पोरस स्टोन और उसके बीच में एक ग्रिड प्लेट लगाई जाती है। ग्रिड प्लेट होल्स की भी होती हैं या विदाउट होल्स की भी होते हैं। तो अनड्रेन्ड टेस्ट के लिए प्लेन ग्रिड प्लेट्स काम में ले जाते हैं और परफोरेटेड ग्रिड प्लेट्स ड्रेन कंडीशन के लिए काम में लेते हैं। और इस प्लेट्स के ऊपर और नीचे दोनों तरफ पोरस स्टोन लगाया जाता है। पोरस स्टोन लगाने के बाद उसके ऊपर लोड प्लेट लगाकर लोड लगाया जाता है। ये इसका अरेंजमेंट होता है। जो ये बॉक्स होता है टू हाफ पोर्स में होता है, सबसे नीचे बेस प्लेट, इसके ऊपर पोरस स्टोन, उसके बाद परफोरेटेड और सॉलिड ग्रिड प्लेट, उसके बीच में सॉइल स्पेसिमेन, उसके ऊपर परफोरेटेड और सॉलिड ग्रिड प्लेट, उसके ऊपर पोरस स्टोन और फिर लोडिंग पैड। और उस कंप्लीट असेंबल को एक बॉक्स में डाल देते हैं और अपर हाफ के लिए एक प्रूविंग रिंग अटैच होती है, जिससे कि सीयर बॉक्स में सीयरिंग स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए काम में आती है। और लोडिंग यॉक होता है जो स्टील बॉल से लोडिंग पैड पर वर्टिकल लोड लगाने के लिए यूज आती है। टू डायल गेज फिटेड होते हैं, वन होता है मेजरिंग सीयर डिस्प्लेसमेंट के लिए और वन लोडिंग या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए। ये इसका इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। अपर हाफ ऑफ द बॉक्स को दो सेट स्क्रू से इस टाइप से रखते हैं कि जस्ट वो उस अपर हाफ प्लेट लोअर हाफ को टच करती हुई है, जिससे कि सीयरिंग स्ट्रेंथ मेजर करने में यूज आते हैं। स्ट्रेन रेट डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ टेस्ट कौन सा किया जा रहा है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट किया जा रहा है या अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन किया जा रहा है। और फिर जो लोड लगाया जाता है वो नॉर्मली स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कुछ रीडिंग्स नोट की जा सकती हैं, साइज ऑफ बॉक्स, एरिया ऑफ बॉक्स, थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन, मास ऑफ स्पेसिमेन, वॉल्यूम एक्सेट्रा। इस डायल गेज से दो चीजें नोट की जाती हैं कि वर्टिकल लोड कितना आ रहा है और शियर लोड कितना आ रहा है। इससे वर्टिकल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालते हैं। वर्टिकल स्ट्रेस
और शियर स्ट्रेस को एक ग्राफ में डिनोट करते हैं, जहां एक्स एक्सिस पर नॉर्मल स्ट्रेस लेते हैं, वाई एक्सिस पर शियर स्ट्रेस लेते हैं। नॉर्मली जो तीन रीडिंग ली जाती हैं, सबसे पहले वर्टिकल लोड से एग्जांपल 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अप्लाई किया, तो जिस शियर लोड पर फेल होती है वो शियर लोड कैलकुलेट किया जाता है, उससे शियर स्ट्रेस निकाली जाती है। फिर उसी सैंपल को नॉर्मल स्ट्रेस 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर शियर स्ट्रेस निकाली जाती है, फिर 1.5 पर शियर स्ट्रेस निकाली जाती है, और से 2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर शियर स्ट्रेस निकाली जाती है। तीन या चार पॉइंट लेकर उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटा गया है वो उसका कोहेजन सी कहलाएगा, और इस लाइन का स्लोप फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहलाएगा। इसे डायरेक्ट शियर टेस्ट से सी और फाई की वैल्यू निकाली जा सकती है, और इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि क्योंकि इसका जो फेलियर प्लेन्स होता है वो प्री डिसाइडेड होता है और सेंटर में होता है, तो इसलिए और ड्रेनेज कंडीशन को कंट्रोल इजीली नहीं किया जा सकता, और इसमें पोर वाटर प्रेशर नहीं निकाला जाता। तो पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए और तीनों ड्रेनेज कंडीशन को बेटर करने के लिए ट्राई एक्सल शियर टेस्ट होता है। धन्यवाद।